पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन पर और एडिशनल एसपी ग्रामीण आकाश भूजा के आदेश अनुसार और एसडीओपी अरविंद कुमार के मार्गदर्शन में भाट पिछलाना पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। अवैध देसी पिस्टल ले जाते 4 आरोपी गिरफ्तार, वहीं 2 आरोपी फरार। जब भाट पिछलाना पुलिस चेकिंग कर रही थी उसी दौरान सड़क गश्त के समय ग्राम सड़ावता और बड़ा गांव के बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर सफेद रंग की कार को चेकिंग के दौरान रोका गया और चेक किया गया। उसमें 4 लोग बैठे मिले थे जिनकी तलाशी ली गई। जो आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस एवं एक हुंडई क्रेटा कार को बरामद किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 2 आरोपी मौका पाकर भागने में कामयाब रहे। इस कार के लिए मशहूर भूमिका थाना प्रभारी आरएस कुशवाहा, एसआई बीपीसी परिहार, प्रधान आरक्षक अरविंद गनावा, आरक्षक धर्मेंद्र चौहान, राजेश सोयल की विशेष भूमिका रही। ग्लोबल इंडिया टीवी के उज्जैन से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण उज्जैन के निर्देशन में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध गतिविधियों के खिलाफ संपूर्ण जिले में एक मुहिम के तहत कठोर कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है। उसी के अंतर्गत थाना भाट पिछलाना के स्टाफ द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें थाना भाट पिछलाना के थाना प्रभारी राघवेंद्र कुशवाहा जी द्वारा मुखबिर को लगाया गया इस संदर्भ में, और एक सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध असले के साथ घूम रहे हैं। तभी कल शाम को एक टीम रवाना की गई और संडावदा फंटे के पास एक क्रेटा गाड़ी में जब चेकिंग की गई तो उसमें 4 लोग मिले। उन 4 लोगों से 3 32 बोर पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले। उन्हें जब और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा 2 अन्य व्यक्तियों का नाम लिया गया जो कि मेन सप्लायर थे और ये आर्म्स को सप्लाई करने का काम करते थे। उसी संदर्भ में फिर टोटल इसमें 6 आरोपी चिन्हित किए गए, 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 2 जनों की तलाश जारी है।